नमस्कार, मैं हूँ गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर वन न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून शुरू, कांग्रेस विधायकों ने नरसिंह घोटाले को लेकर किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र सोमवार सुबह 11 बजे से प्रारंभ हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को सत्र की तैयारियों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंत्री वेतन भत्ता संशोधन अधिनियम को विधानसभा में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। दोबारा शुरू हो गया आकांक्षा, जनजातीय विद्यार्थियों को मिलेगी निजी कोचिंग। कोरोना काल में बंद हुई आकांक्षा योजना को प्रदेश सरकार दोबारा शुरू करने जा रही है। इस बार योजना के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग शहरों में अलग अलग विषय की तैयारी करवाने की तैयारी है। बता दें कि ये योजना 2018-19 में जनजातीय विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई थी। लाडली बहनों को 3,000 नहीं 1,250 रुपए ही मिलेंगे, डॉक्टर मोहन सरकार के पहले बजट में बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार का पहला बजट 3,65,000 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। इसमें सबसे ज्यादा फोकस महिलाओं पर ही रहने वाला है। महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर सरकार 80,000 करोड़ खर्च करेगी। लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को 1,250 रुपए के हिसाब से बजट का प्रावधान किया गया है। एमपी में आज से आरटीओ चेक पोस्ट बंद, 45 चेक प्वाइंट बनाकर होगी जांच। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से यानी आज से प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमाओं पर परिवहन जांच चौकियां बंद हो गई। नई व्यवस्था के तहत रोड सेफ्टी एंड एनफोर्समेंट चेकिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे। पहले चरण में 45 चेक प्वाइंट बनाए जाएंगे। इनके तैयार होने तक मोबाइल यूनिट गठित कर वाहनों की जाँच की जाएगी। एमपी में अगले 5 दिन तक आंधी बारिश और गरज चमक। देश में 5 साइक्लोनिक सिस्टम और ट्रफ लाइन एक्टिव हैं, इसका असर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। रविवार को भोपाल समेत 20 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई, जबकि सोमवार को इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन सहित पूरे प्रदेश में मौसम बदला रहेगा। सिंघार बोले, मंत्री विश्वास सारंग को बर्खास्त करें, नरसिंह घोटाले पर विधानसभा में हंगामा, कार्यवाही स्थगित। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सोमवार को कांग्रेस ने नरसिंह घोटाले पर चर्चा की मांग की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, चर्चा होनी चाहिए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मामला कोर्ट में है, इसलिए चर्चा नहीं हो सकती। मध्य प्रदेश बोर्ड के नवी कक्षा में नामांकन के लिए समग्र आईडी जरूरी, 30 सितंबर तक होंगे नामांकन। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने नवी में विद्यार्थियों के नामांकन में समग्र की अनिवार्यता को इस बार फिर से कर दिया। ऑनलाइन नामांकन आवेदन में अब टीसी रजिस्टर के आधार पर भरी गई जानकारी के आधार और समग्र आईडी में उल्लेखित जानकारी के आधार पर नामांकन होंगे। धार की भूशाला पर अब जैन समाज का दावा, हाईकोर्ट में कहा खुदाई में मिली मूर्तियां उनके तीर्थंकर की। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भूशाला को अपना धार्मिक स्थल बताते हुए अब जैन समाज ने दावा किया। इसके लिए विश्व जैन संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य सलेख चंद जैन ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर की। इंदौर की 8 विधानसभा में बीजेपी आयोजित करेगी मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के सभी लोकसभा सीटों पर मिली जीत का जश्न मनाने के लिए भाजपा विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ताओं और आम लोगों का सम्मेलन करेगी। इंदौर के सभी 8 विधानसभा में ये सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। जबलपुर के यात्रियों के लिए खुशखबरी, आज से मुंबई के लिए नियमित उड़ान। जबलपुर से मुंबई के लिए नियमित उड़ान सेवा मंगलवार से प्रारंभ हो रही है। इंडिगो का विमान सुबह 11:45 पर जबलपुर एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। वहीं आधे घंटे के बाद मुंबई के लिए भी यही फ्लाइट रवाना होगी। पहले दिन मुंबई से जबलपुर आने और जबलपुर से जाने वाली फ्लाइट में करीब 70% सीट फुल हो चुकी है। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।